तो सबसे पहली चीज आज के लेक्चर में टेस्ट बाहर देना है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मान लो किसी भी बॉडी का मास m आपको मान लो गिवन है 15 kg, तो बॉडी का मास कितना है 15 kg, और सपोज आपको इसमें ये निकालना है कि इस बॉडी का वेट कितना है, तो आपको सबको पता है आंसर क्या होगा, एम जी। तो वेट इस बॉडी का क्या है, 15 g। 15 g का मतलब 15 × 9.8, और यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज, कभी कभी वो क्या कहता है कि बॉडी का वेट या बॉडी के ऊपर फोर्स की वैल्यू है 15 kg के इक्वलेंट फोर्स, 15 kg के इक्वलेंट फोर्स। तो बॉडी का वेट कितना है, जो 15 kg का वेट होता होगा, 15 kg की जो फोर्स लगती होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब 15 kg के ऊपर फोर्स क्या लगती है, 15 kg के ऊपर इक्वलेंट फोर्स क्या लगती है, 15 g। 15 kg की फोर्स का मतलब 15 g, 15 × 9.8 न्यूटन। तो एक शॉर्टकट है, अगर आपको वेट या फोर्स के यूनिट kgf गिवन है, kgf यानी कि kg फोर्स, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना हो, न्यूटन में, तो आप अपने रिजल्ट को 9.8 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में। तो पहला स्टेप क्लियर है। जैसे हम ये बोलते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट को उठाया, 20 kg फोर्स, 20 kg फोर्स का मतलब है 20 kg के इक्वलेंट ग्रेविटी की वजह से फोर्स। तो ग्रेविटी की वजह फोर्स क्या होता है, उसका वेट, तो क्या बनेगा, 20 × 9.8 न्यूटन। तो पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला बुक में नोट कर लेना प्लीज इस एग्जांपल को, कि अगर आपका जो कोई भी वेट, मान लो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मान लो 25 kg फोर्स गिवन हो, तो ऐसे केस में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 9.8, तो आंसर किस में आ जाएगा, इन न्यूटन। या फिर शॉर्टकट ये भी नोट करें, अगर आपको बॉडी का वेट गिवन है 25 kg वेट, 25 kg वेट, 25 kg वेट का मतलब होता है 25 kg के इक्वलेंट वेट, तो भी आंसर रिमेन सेम, 25 × 9.8 न्यूटन। तो यानी कि एक शॉर्टकट क्या बन गया, शॉर्टकट ये बन गया कि अगर आपके पास जो वेट है वो केजी फोर्स है, या आपका वेट केजी वेट है, उसको न्यूटन में, क्योंकि हम हमें आदत है न्यूटन में काम करने की, तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में हो जाएगा, न्यूटन में। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अब सेकेंड चीज नोट करो साथ में, सपोज करो आपके पास वेट गिवन है 25 g फोर्स, केजी फोर्स नहीं, ग्राम फोर्स। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि एफ तो गलती से टाइप हो गया, 25 g है आंसर। नहीं, 25 g फोर्स, 25 g फोर्स का मतलब 25 g के इक्वलेंट फोर्स। तो आप क्योंकि सीजीएस में काम कर रहे हैं, इस बार आप जी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 980, तो आंसर स्ट्रेट वे किस में जाएगा, इन डाइन्स। तो ग्राम फोर्स को डाइन्स में कन्वर्ट करने के लिए 980 से मल्टीप्लाई, और केजी फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों शॉर्टकट नोट करें प्लीज, क्योंकि कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव गिवन होगा केजी फोर्स में या ग्राम फोर्स में, आपको न्यूटन डाइन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो अब ये चीज नोट करें इसमें कि अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू 25 kg फोर्स है, तो आप इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9.8 यानी कि जी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। या फिर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी वैल्यू 25 × 9.8 न्यूटन गिवन है और आप अपना आंसर केजी फोर्स में निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसे क्या करें, 9.8 से डिवाइड।
तो आंसर ऑटोमेटिकली किसमें बन जाएगा, केजी फोर्स में। तो केजी फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है 9.8 से मल्टीप्लाई, और न्यूटन को केजी फोर्स में करना है 9.8 से डिवाइड। तो प्लीज ये याद करें, तो ये चीजें ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी, बेसिक एनसीईआरटी में भी काम आती हैं। आपने देखा होगा आपके असाइनमेंट में काफी यूज किया जाता है केजी फोर्स और केजी वेट और केजी, ये जो चीजें मैंने बताई। तो इसकी कन्वर्जन क्लियर है यहाँ तक?